हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे अनुपात का एक सवाल लिया है। सवाल क्या है? 2a बराबर 3b और 3b बराबर 4b, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब आपस में एक दूसरे के बराबर है और आपसे यहाँ पे पूछा है a और b c की वैल्यू पूछा है। तो ऐसे सवालों को कैसे लगे, एकदम इजी है। पहले आप इसको इस पोजिशन में लिख लीजिए, ए बी और सी ऐसे लिख लीजिए। और किसका पूछा जा रहा है, देखिए, जैसे अब हम सबसे पहले ए का ही लिखते हैं, तो जब ए का लिखना हो आपको तो आप इसको ऐसे बंद कर लीजिए और ये जो संख्याएं हैं बी और सी को छोड़ देंगे और ये जो संख्याएं हैं इनका आपस में हम गुणा कर देंगे, तो 4 3 12। अब हम बी का लिखेंगे और जब बी का लिखना होता है तो हम बी को ढक लेते हैं, बचा आपका 4 और 2 लिख देंगे, 4 2 8। अब हमको सी का लिखना है और सी का लिखना होता है तो अब सी को ढक देंगे, मिलेगा क्या आपको, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो क्या कर देंगे हम, 3 2 6, यही इनका अनुपात निकल गया। अब आप इसे छोटा कर देंगे अगर छोटा करने लायक है, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। हम काट देते हैं, 2 से हमारी सारी संख्या कटने लायक है, 2 6 2 4 2 3, ये क्या मिल गया आपको, ए संबंधे बी संबंधे सी का आंसर मिल गया, 6 संबंधे 4 संबंधे 3। अगर आपसे किसी एक की वैल्यू पूछी जाती है, जैसे ए का वैल्यू पूछा जाता है तो यहाँ पे 6 आपका आंसर हो जाएगा, बी का पूछा जाता है तो 4 आंसर हो जाएगा, अगर सी का आंसर पूछा जाता है तो 3 हो जाएगा। ये हो गए आपके आंसर, इन्हें सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वही चीज है, 8a बराबर 2b बराबर 3c, यानी कि 8a जितना है उतना ही 3c है और जितना 8a है उतना ही 2b भी है, और आपको बताना है ए बी सी को आपको अलग अलग बताना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया था वैसे इसको यहाँ पे भी रख देंगे, ए बी और सी हम इसको ऐसे रख देंगे, और जिसका निकालना हो, जैसे अब हम पहले ए का निकालेंगे तो एक को आप यहाँ पे ढक दीजिए, जो संख्याएं बचती है उनका गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारा 3 2 6। अब बी का निकालना है तो हम बी को ढक देंगे, जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे, तो 8 3 24, तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया। सी का निकालना है तो सी को ढक देंगे, बच्चे का हमारा 8 और 2, इनका गुणा कर देंगे तो 8 2 16, यहाँ पे आगे हमारा 16। अगर ये कटने लायक है तो आप इसे काट देंगे, तो मैं देख लूंगी ये 2 से कटने लायक है तो मैं काट देती हूँ, 2 3 2 12 24 2 8 16, ये इनका अनुपात निकल के आ गया, यानी कि ए के बराबर 3 है, बी के बराबर 12 है और सी के बराबर 8 है। अगर यहाँ पे सिद्धि की बात आ जाती तो आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 8 और a के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम गुणा मानते हैं, तो हम गुणे का निशान लगाएंगे और a का मान आपको क्या मिला है, 3, आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। बराबर का निशान लगाएंगे, मैं बड़ा लगा रही हूँ ताकि चीजों को मैं अलग अलग बता सकूं आपको। b हमारे पहले यहाँ 2 है और b का जो मान निकला है वो 12, तो गुणित 12 कर देंगे, यहाँ पे बराबर करेंगे, फिर लिखेंगे 3 क्योंकि यहाँ पे 3 है, और c का मान हमें क्या मिला है, 8, गुणा कर दीजिए, देखिए सबको आपको बराबर मिलेगा, 8 3 24, 12 2 24, 8 3 24, देखिए आपको चीजें क्या है, 24 24 24, तीनों मिल गई। तो ये आपका आंसर, यहाँ से आपसे जो भी पूछा, अगर ए का मान पूछता है तो आप 3 कर देंगे, बी का पूछता है तो 12, सी का पूछता है तो 8, यह हो गया आंसर, और ये हमने इस सवाल को सिद्ध भी कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।